जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बहुत ही बढ़िया हो। मैं आप लोगों का फ्रेंड एक सोल्जर फिरदौस मंडल, आप लोग हाजिर हो प्री डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों, बहुत सारा बंदा के दिल में मालूम नहीं है कौन सा फोर्स बढ़िया है। कोई बोलते हैं सर वेस्ट बंगाल पुलिस बढ़िया है, कोई बोलते हैं सेंट्रल फोर्स बढ़िया है, कोई बोलते हैं सर सेंट्रल फोर्स में जाने के लिए ज़्यादा आसान रहता है, कोई बंदा बोलते हैं स्टेट पुलिस में जाने के लिए ज़्यादा आसान रहता है। इसके ऊपर ये वीडियो है जिसका लगता है दोनों फोर्स के कैसे कैसे क्वालिटी लगता है, कैसे हम आगे जा सकते हैं, उसके ऊपर मेरा ये पूरा वीडियो है। और उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, जो नया बंदा है उसके पास हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल वाला घंटे को बजा दीजिए। आपको पाना है तो डिफेंस का सर्विस आपको यहाँ से जरूर हेल्प मिलेगा। साथ साथ हमारे इधर एडमिशन चल रहा है प्री डिफेंस अकेडमी में, इसमें एडमिशन भी ले सकते हो। तो दोस्तों, पहले शुरू करो स्टेट पुलिस वर्सेस सेंट्रल पुलिस। दोस्तों, स्टेट पुलिस और सेंट्रल पुलिस का पहले मैं एडुकेशन क्वालिफिकेशन देख लूँ तो एडुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों दोनों में ही 10th पास लगता है, मतलब 10वीं क्लास जो पास कर गया वो ए एग्ज़ाम में बैठ सकता है। तो दोनों में यहाँ पे इक्वल है। मैं उसके बाद शारीरिक जो मापजोक है, जो हाइट वगैरह है, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना चाहूँगा। दोस्तों, सेंट्रल फोर्स में जाने के लिए टोटल 170 सेंटीमीटर चाहिए चाहिए चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो बढ़िया है, पर 170 से नीचे आपको कोई भी चांस नहीं मिलेगा। थोड़ा जिसका हाइट कम है उसका थोड़ा और एक जगह चांस मिलता है, वो है स्टेट पुलिस का। 167 सेंटीमीटर 167 सेंटीमीटर हाइट रहता है स्टेट पुलिस का। इसका मतलब जिसका 70 सेंटीमीटर है 100, वो सेंट्रल फोर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, स्टेट पुलिस में भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं लास्ट में बताऊंगा कौन सा बढ़िया है, किस में आपको जाना है, वो भी मैं लास्ट में बता दूंगा। जो एडमिशन प्रोसेस है, कैसे आप ये सर्विस ले सकते हो, इसका जो प्रोसेस है ये दोनों टाइप है। जैसे सेंट्रल फोर्स का टोटल एग्जाम लेता है एसएससी, मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसका प्रोसेस है पहले रिटन एग्जाम, उसके बाद होता है फिजिकल टेस्ट, और फिजिकल टेस्ट के बाद होता है मेडिकल, और मेडिकल में जो पास कर जाता है उसका होता है सर्विस। दोस्तों, दूसरी जगह आपको स्टेट पुलिस में पहले होगा रिटन टेस्ट सेम एज, पर इसमें सिलेबस थोड़ा अलग है। सिलेबस वाला जो वीडियो आएगा उसमें आप लोग देख लीजिए। उसके बाद होगा फिजिकल टेस्ट, और फिजिकल टेस्ट के बाद हो जाएगा आपका फिर से रिटन टेस्ट मेन एग्जाम, और उसमें पास हो जाएगा उसमें देना पड़ेगा इंटरव्यू, और इंटरव्यू में पास हो जाओगे तो आपका सर्विस मिल सकते हैं मेडिकल पास होने के बाद। दोस्तों, इसके बाद होता है आपका रनिंग। दोनों को रनिंग दोनों टाइप होता है। जैसे सेंट्रल फोर्स का रनिंग टोटल 24 मिनट लगता है, और इसमें आपको 5 किलोमीटर रनिंग करना पड़ता है, मतलब ज़्यादा रनिंग करने का क्षमता आपके अंदर होना चाहिए। दूसरी जगह स्टेट पुलिस में क्या होता है, स्टेट पुलिस में दोस्तों आपका रनिंग थोड़ा कम है 1600 मीटर पर, इसमें स्पीड ज़्यादा चाहता है। इसका मतलब जिसके अंदर ज़्यादा स्पीड है वो स्टेट पुलिस में आ सकते हैं, रनिंग और भी बढ़िया होना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद जो आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज में स्टेट पुलिस में आता है बंगाली लैंग्वेज। आपको स्टेट पुलिस में जाना है तो आपको बंगाली लैंग्वेज बोलना, लिखना और पढ़ना आना चाहिए। दूसरी टाइप है सेंट्रल फोर्स में। सेंट्रल फोर्स में ओनली आपका एग्ज़ाम होगा इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश बोलना भी नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं है, नहीं बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जब ट्रेनिंग होगा उस टाइम आप लोग सीख जाओगे। इसके बाद आता है मेरिट। दोस्तों, बंगाल पुलिस में मेरिट बहुत ही पुअर जाता है, कोई भी बंदा आसानी से बंगाल पुलिस पास कर ले सकते हैं, पर सेंट्रल पुलिस में ऐसा नहीं है। सेंट्रल पुलिस में मार्क्स थोड़ा ज़्यादा लगता है, कंप्यूटर एग्जाम है। बंगाल पुलिस में आपको मैनुअल एग्जाम है। कट ऑफ के बारे में आपको पता चल गया, अभी जाना है आपको कौन सा किस में जाना है, ये आपको बहुत ही जरूरी एक क्वेश्चन है। दोस्तों, अभी आप लोग हो स्टूडेंट तो आपको कोई भी जॉब जो सबसे पहले आपको आ जाएगा उसमें जाना है। अभी चल रहे कोरोना महामारी, इसलिए कोई भी जॉब छोटा नहीं, दोनों ही गवर्नमेंट सर्विस है। दोस्तों, जिसमें खुश आप उसमें जा सकते हो, पर सेंट्रल फोर्स में सैलरी बहुत ही ज़्यादा होता है, फैसिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, और
सेंट बंगाल फोर्स में आपको भी सैलरी ठीक है पर ज़्यादा नहीं है। जैसे एक 3 साल का बंदा जितना सैलरी उठा लेता है, सेंट्रल फोर्स में स्टेट पुलिस में एक बंदा 14 से 20 साल में भी उसका इतना सैलरी नहीं मिलता। आपको कैसे लगे वीडियो? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों आपका मूल्यवान कमेंट जरूर दीजिए। सब बढ़िया रहो। जय हिंद, जय भारत।